नमस्कार दोस्तों, जेसीएलसी जिस मेरे लाडले बेटे से आज आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, उसका परिचय दूं उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिंदगी में जैसा आदमी सोचता है वैसा हो जाता है। 96 में पीटी पीएमटी कोचिंग स्टार्ट की हमने, समय के साथ वो कोचिंग रूप बदला, वो नीट और जेई में कन्वर्ट हुआ, फिर डिमांड बढ़ी। आज हम एनडीए के साथ भी काम कर रहे हैं। आज मैं एडमिशन काउंटर बैठा था तो मेरे पास जो बैठा मेरा बहुत एक लाडला सा, एक बहुत ही ऊर्जावान, आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, आप एनडीए सेलेक्ट हैं, लेफ्टिनेंट वीर बहादुर सिंह, आप राजपुरा लोसल के रहने वाले हैं, केवी स्कूल सीकर से आपने 10th पास किया और 11th 12th अपने केवी स्कूल से करके फाउंडेशन के साथ आपने आईटी की प्रिपरेशन की। आपका मानना है कि आईटी में आप अच्छा नहीं कर पाए, पर एनडीए का सपना आपके दिमाग में रहा क्योंकि आपके फादर साहब आर्मी में है, क्योंकि हमारे भाई अरुणाचल में पोस्टेड है। आज ये अपने भाई का एडमिशन करने के लिए आया और ये परिवार जुड़ा हुआ है। आपका छोटा भाई 6th क्लास से पढ़ रहा केवीएम में, 6, 7, 8, 9, 10, अब वो 10th वहां से करके 11th फाउंडेशन में आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज सीएलसी का अपना खुद का एनडीए प्लेटफॉर्म हो गया, तो आज मेरा एक लाडला बेटा जो एनडीए सेलेक्ट है आईटी के बैच से, ये क्या कहना चाहता है, इसने सफलता कैसे प्राप्त की, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे लेफ्टिनेंट वीर बहादुर का स्वागत करते हुए। वीर बहादुर बेटा, अपनी वो पूरी कहानी बताएं, जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप एक रास्ता बताएं, एक प्रेरणा दें। मैंने जब 10th की थी 2017 के अंदर केंद्रीय विद्यालय स्कूल से, मेरे 58% थे क्या? उसके बाद भी यानी पापा ने बताया कि सीएलसी में चलते हैं, सीएलसी के अंदर, क्योंकि केवी स्कूल के अंदर ये मैथ वगैरह सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद में पापा ने बताया सीएलसी के अंदर चलते हैं, तो सीएलसी में एडमिशन कराया। तभी मेरे भाई ने भी बोला, उसका भी एडमिशन केवीएम में उसी टाइम करवा दिया था। 2017 के अंदर मैंने सीएलसी में एडमिशन लिया। यहाँ का वातावरण इतना पॉजिटिव है जिसका कोई बाकी सीकर के अंदर मुकाबला नहीं है। और फिर यहाँ पर मैं कोचिंग में आया, 11th करी 12th करी 12th के बाद में मेरे 12th में 80% 80.40% विद फाउंडेशन, हाँ विद फाउंडेशन किया था। आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो मैंने जेई मेंस दिया, जेई मेंस के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं गया एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए मेरे एक, जब मैं यानी 8th या 9th क्लास में रहा होगा तो यूनिट के अंदर कोई फंक्शन था, तो सीओ अंकल फादर साहब के साथ थे आप, उसी टाइम ये सीओ अंकल ने बताया था कि अगर घर की प्रोग्रेस तभी होती है अगर, जैसे मेरे फादर सिपाही से भर्ती हुए हैं, तो बोले कि अगर आपका बेटा भी वापस जीडी से भर्ती होता है, सिपाही से भर्ती होता है, तो घर के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगर आपके बच्चे को आर्मी में आना ही है तो एज ए ऑफिशियल लाइन में आए, वरना आप भी सिपाही से भर्ती हुए और रिटायर हो जाओगे सूबेदार बन के, वो भी सिपाही से भर्ती हुआ रिटायर हो जाएगा, तो उसका कोई मायना नहीं रहेगा। आपके एनडीए का क्लिक वहां कर गया कि मुझे एनडीए जाना है। हाँ, मैंने वहीं से एनडीए के लिए प्रिपरेशन, और एनडीए का एक ये है कि एनडीए के लिए कोई अलग से बुक नहीं आती है, एनडीए की ये बुक आ रही है, इसे एनडीए की प्रिपरेशन कर लो। एनडीए का जो ज़्यादातर सिलेबस आता है ये जेई के सिलेबस से आता है, तो मेन जो मेरा हो गया था कोर्स एनडीए का कंप्लीट हो गया था, जेई की प्रिपरेशन से एनडीए के लिए हो गया था, जो मैंने बड़ी आसानी से फिर एनडीए क्रैक कर लिया था। तो एनडीए में आप रिटर्न क्रैक कर लिया, हाँ। उसके बाद उसकी एसएसबी जो है, हाँ। जो एक अपने आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है, उसके लिए क्या किया फिर आपने? उसके लिए मैं गया था बालनोई एकेडमी दिल्ली। हाँ, उस समय सीकर अपने पास व्यवस्था थी नहीं, आप दिल्ली जाना पड़ा आपको। फिर वहाँ से मैं एसएसबी देने गया, एसएसबी क्रैक हुआ, फिर अभी एनडीए में। क्या बात, मतलब यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं मेरे ये। मतलब आपने जेई की तैयारी की, सब्जेक्ट आपका वहाँ तैयार हो गया, हाँ। फिर आप 15 दिन दिल्ली रहते हैं, फिर वो व्यवस्था अब आपकी सीएलसी भी दे रही है। जैसे आप जानते हो बेटा, आपको पता होगा अपना सीएलसी का खुद का एनडीए का डिफेंस एकेडमी स्टार्ट कर दिया, वो सारी व्यवस्था आपको सीकर देंगे। और 8th क्लास में एक ऑफिसर मिलते हैं, वो आपको कुछ चैलेंज देते हैं, कुछ इंस्पायर करते हैं, आप एनडीए ऑफिसर बन जाते हैं। और आपका विश्वास देखो, आप 11th क्लास में आए 17 में सीएलसी, हाँ। तो छोटे भाई को भी उसी से मिले आए यहाँ पर। मतलब देखो, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि सीएलसी में जो लोग विश्वास करते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं। मैसेज यह जाता है पुत्र की जेई की तैयारी ठीक से कर ले, हाँ, तो एनडीए बहुत आराम से करे किया जा सकता है। 120 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, वो आईटी वालों के लिए फुटबॉल है, हाँ। 50 साइंस के लिए आते हैं, वो फुटबॉल है, अब 50 जीके और 50 इंग्लिश, ये सारा सेटअप आपकी इंस्टीट्यूट ले चुकी है,
हर्ष रोड पे आप जानते हो एक पूरी ज़मीन हमने लेके और डिफेंस अकेडमी का बाकायदा ग्राउंड बन चुका है, और आप आराम से सीएलसी के साथ जैसे नीट और जेम जुड़ रहे थे वैसे एनडीए में जुड़ सकते हैं। और आजकल ये छठी क्लास से जो प्री फाउंडेशन है ये भी एनडीए की तैयारी मानता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ा रहे हैं पुत्र, देख फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एसएसटी जीके रीजनिंग इंग्लिश सब पढ़ा रहे हैं। तो किसी को एनडीए जाना है ना तो उसको तो प्री फाउंडेशन ज्वाइन कर लो ना, तो आगे कहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं मेरे भाई श्रवण जी को भी बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार करूंगा कि आपने विश्वास रखा मेरे पे, दोनों बच्चों शोभा सीएलसी को, एक बेटा आज आपका बहुत अच्छे मुकाम पे, आपका भी गौरव है हमारा भी गौरव है पूरे समाज का गौरव है। और ऐसे गांव के गुदड़ी के लाल एनडीए जैसे एग्जाम क्रेक करते हैं, देश के अपने आप बड़ी एग्जाम है, तो एक सामान्य घर के बच्चों को आपका वीडियो बहुत बड़ी प्रेरणा जाएगा। सामान्य घरों में हम जैसे गाँव से आए लोग हैं तो निश्चित रूप से यार एक आम आदमी सपने देखता है, पर हमारे गाँव का बच्चा हमारे जैसा बच्चा जाता है ना तो हम भी सोचते हैं हम कैसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बचपन मेरे बेटे का बचपन हो सकता है श्रवण चौधरी के बेटे का है, मेरा बचपन आपका बचपन एक ही है, मैं टीचर का लड़का हूं तो एक फौजी का बेटा है, हम अभाव भी नहीं देखे होंगे ना तो हमारी जेब में अनावश्यक पैसे कभी नहीं रहे होंगे, हमें सोचना पड़ा पैसा खर्च करने के लिए भी, हम उन घरों से निकले हुए लोग हैं। तो मैं इस मेरे बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं, भगवान से प्रेयर है कि आप बहुत आगे जाएं और एनडीए हो चाहे नीट हो या जेई हो चाहे प्री फाउंडेशन हो चाहे फाउंडेशन हो जुड़े सीएलसी के साथ, सूर्य प्रताप को भी निश्चित रूप से एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। आप सीएलसी आए बहुत अच्छा लगा, ये संबंध ये संपर्क ताज में बना रहे, नमस्कार जय हिंद।